यूके स्टडी वीज़ा की गल करांगे। स्पेशली आप जनवरी इनटेक ते फोकस कर रहे हैं। असं सारे जानते हैं कि वड्डी गिनती विच स्टूडेंट जो है अप्लाई तो कर रहे हैं, पर नाल दी नाल जिवें असं देख रहे हैं हुण 2024 की शुरुआत दे नाल रूल्स चेंज हो रहे हैं, हो जाणगे जिहड़े कि अनाउंस हो चुके हैं और एप्लीकेबल हो जाने ने 2024 जनवरी तो। सो जिस दे विच के स्पाउस नाल नहीं जा सकेगा, जिहड़े स्टूडेंट्स ने कुछ खर्चे जो है उन्हां दे उपर थोड़े जे ज़्यादा वधण वाले ने, पर नाल दी नाल चंगीआं ऑप्शन और चंगे रिजल्ट लिए यूके जाने जाता है वो उस तरह बरकरार जरूर रहने वाला है। सो आज भी यूके बारे जब गल करांगे कुछ अजिहे पॉइंट्स उपर आप गल जरूर करनी है, जिहड़े स्टूडेंट जनवरी इनटेक लिए अप्लाई कर रहे हैं उन्होंने ध्यान जरूर रखना चाहिए है, और केड़ी केड़ी तरह की वेरीफिकेशन हले भी जिस तैयारी रखनी चाहिए है, क्योंकि वेरीफिकेशन लैके बहुत सारे सवाल साढ़े को स्टूडेंट के लगातार आ ही रहे हैं। स्वागत है जी सारे का, मैं हाँ हरजोत कौर, और यूके स्टडी वीज़ा लैके खास गल् खास पॉइंट्स साझे करेंगे नैविगेटर्स ओवरसीज तो वीज़ा एक्सपर्ट मिसिज वीना गोयल मैम साढ़े नाल ने। बहुत बहुत स्वागत है मैम, सत श्रीकाल। सत श्रीकाल, नमस्कार सर। सो मैम का तकरीबन 26-27 साल का एक्सपीरियंस, और इस एक्सपीरियंस मैम ने कई कंट्रीज़ के उतरा चढ़ा देखे ने, रूल्स चेंज होंदे देखे ने, चंगे रिजल्ट आते भी देखे ने, कई दौर आए विच जो किसी कंट्रीज़ के रिफ्यूजल्स भी आए उस बाद फिर स्मूथ हुंदा भी देखा सब कुछ। सो मैम जो अज आप गल यूके स्टडी वीज़ा के जनवरी इनटेक की कर ही रहे हैं, नाल दी नाल आप फोकस करिए यूके जिस ढंग नाल अपने रूल्स चेंज कर रहा है, कितना ना कि यूके भी यह मैसेज दे रहा है जरूर आस्ट्रेलिया दी तरह कि असीं जेन्युइन स्टूडेंट का ही वेलकम करते हैं। तो इत्थे तुसीं कीवें देखदे हो कि हुण आपां रूल्स चेंज हुंदे तां देख रहे हैं, पर कि जदों रिजल्ट्स की वारी आएगी तां वी कि यूके स्टूडेंट्स नूं लैके थोड़ा चूजी हुंदा नज़र आएगा? देखो हरजोत, ये तो हर कंट्री की अपनी पॉलिसीज़ हैं, किन्ना कैंडीडेट उन्होंने को आ गया, किन्नी उन्होंने मैन पावर की लोड़ है। बेसिकली तुसीं जो कैलकुलेशन देखो किसी भी कंट्री की कि उन्होंने लेबर मार्केट, मैन पावर, टेक्निकल स्टाफ, इस सारी जरूरत अपने स्टूडेंट्स तो पूरी होंगी है, क्योंकि जेडे कोर्स करन जा रहे हैं उन्हां कोर्स की कैलकुलेशन नाल सारा कुछ चलता है जी। ठीक है, हुण स्टूडेंट जद पार्ट टाइम काम करते हैं उन्हां दे नाल भी उन्हां दी बहुत सारी जरूरत पूरी होंदियां, जो स्टूडेंट ज़्यादा हो जाता अनइंप्लॉयमेंट होनी शुरू हो जाती फिर ये स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। इन्हां दे जिहड़ी अपनी फीसां जा रही हैं इन्हां दी इकोनमी का बहुत बड़ा हिस्सा है इनकम का, वो खाली इंडिया तो ही नहीं जा रही, आल ओवर वर्ल्ड जा रही हैं, क्योंकि साड़ी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा, इस करके अपन नूं लगता है कि बच्चे बहुत जा रहे। पर जब तुसीं यूके की गल करो, यूके एक जिहड़ा पढ़न वाला बच्चा है, जिहड़ा चाहवान बच्चा है जिहड़ा पढ़ाई का, वो ज़्यादा जाता है। साउथ की मार्केट जिहड़ी इंडिया दे विच इहो जिही मार्केट है जिहड़े कि बिल्कुल पर्टिकुलर है, जिन्होंने कोई कॉलेज चेंज नहीं करने, कोई गड़बड़ नहीं करनी। तुसी देखो साउथ विच एक एक कंसल्टेंसी तो 4,000 बच्चा यूके जा रहा है, तो यूके की इन्नी कु डिमांड है। बाकी तुसी जो देखो कि इहदे विच कोई प्रॉब्लम है, कोई वीज़ा बंद करनगे, हजे तो कोई इहो जिहा नज़र नहीं आ रहा। स्पाउस वीज़ा नूं लैके कई होर प्रॉब्लम उन्हां नूं आ रही सीगी, जिहड़ा रीज़न बीइंग कि एक दे नाल एक जा रहा है या फिर फैमिली पूरी जा रही, चार चार बंदे जा रहे हैं, ये सब तो बड़ा उन्होंने मुद्दा। और उहदे विच भी की है कि उन्होंने इकोनमी ते कुछ बर्डन भी पै रहे सी स्पाउस वीज़ा दे नाल, लेकिन ये नहीं कह सकते कि स्पाउस वीज़ा कंप्लीटली बंद हो गया। तुसीं देखो कोर्सेज है जिदा मास्टर बाई रिसर्च है, उहदे विच स्पाउस जा सकदा, जिहड़े बच्चे ने ऑलरेडी पोस्ट ग्रेजुएशन की है तो वह मास्टर बाई रिसर्च विच जाएगा, या कोई अच्छा कोर्स ग्रेजुएशन की मास्टर बाई रिसर्च विच जाएगा तो हजे भी ऑप्शन है। जे तुसी कहो कि इन्होंने बच्चे ने मास्टर्स कर ली, मेन एप्लीकेंट ने 4 महीने और 4 महीने मीनस 2 सेमेस्टर्स होंगे है, 8 मंथ्स के बाद जो मास्टर बाई रिसर्च भी नहीं कर रहा तो 8 मंथ्स के बाद स्पाउस उन्होंने ज्वाइन कर सकता है, तो हजे कंप्लीटली बंद नहीं होया। यूके हजे हमेशा डिमांड रहना, रीज़न बीइंग मास्टर्स सब तो सस्ती 1 साल की टाइम सेविंग यूके दे विच ही है, हर जगह 2 साल की है, इत्थे 1 ईयर, 1 ईयर का भी टू सेमेस्टर या 4 मंथ्स के, खाली 2 ही सेमेस्टर है, और एज चीप एज 10,000 pounds, मतलब 10 लाख दे विच भी तुहाडी मास्टर्स हो जाती है, 2 ईयर्स का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट, दैट मीनस तुसी जिन्ना पैसा लाया उस तो ज़्यादा किसी भी हालत कर लेंदे हो पार्ट टाइम काम करके 2 साल का पोस्ट स्टडी वर्क परमिट करके। आइल्स रिक्वायरमेंट की है 5.5 ईच, ये मैंडेटरी है,
ਤੁਸੀਂ 1 'ਚ 5 ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ MOI ਬੇਸ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਜਾਓਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ 5.5 ਈਚ ਤੇ ਜਾਓਗੇ। ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਈਜ਼ੀ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਗ੍ਰੈਜੂਏਸ਼ਨ ਮੈਕਸੀਮਮ ਇੰਗਲਿਸ਼ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਅਮ ਆਫ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤੇ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਫੀਸ ਵੀ ਲੋ ਹੈ। ਮਾਸਟਰਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ UK ਦੇ ਵਿੱਚ, UK ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਧੇ ਖਰਚੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਆ ਇਹ ਪਹੁੰਚ ਰਹੇ ਆ UK, ਜਿਹੜਾ ਓਨਲੀ 1 ਈਅਰ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਦੇ ਡੂ ਹੈਵ ਏ ਰਾਈਟ ਆਫ 2 ਈਅਰ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ। UK ਕਦ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ? ਜਦ ਪੋਸਟ ਸਟੱਡੀ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਬੰਦ ਕਰਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲੇ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਸੋ ਮੈਮ, ਅਗਰ ਮੈਂ ਹੁਣ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁਝ ਸਵਾਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਣੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੂੰਗੀ। ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਆਪਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਹਲੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਨੇ ਕਿ ਕੀ ਜਨਵਰੀ ਇਨਟੇਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਾਊਟ ਆਇਲਸ ਆਪਸ਼ਨ ਮੌਜੂਦ ਨੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੀ ਹੈ, MOI 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਫੰਡਸ ਵੀ ਦੇਖੋ 28 ਡੇਜ਼ ਓਲਡ, 1 ਮਹੀਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਹਜੇ ਟਾਈਮ ਹੈ, ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਾਈਲ ਪ੍ਰਾਇਓਰਟੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੈਨ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਰਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਅਤੇ ਨੈਚੁਰਲ ਹੈ ਕਿ ਹਜੇ 1 ਮੰਥ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ। ਉਹਦਾ ਵੀ ਇਹ ਕੋਈ ਸੋਰਸ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਜਸਟ 28 ਡੇਜ਼ ਪਹਿਲੇ 17-18 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਰੱਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਵੀ 5-7 ਲੱਖ ਦੀ ਫੀਸ ਆ ਉਹ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਓ, ਐਂਡ ਯੂ ਕੈਨ ਗੈਟ ਯੂਅਰ ਵੀਜ਼ਾ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਚਾਹੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਛ ਰੂਲਸ ਚੇਂਜ ਹੋਏ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ UK ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ UK ਵੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਅਪਲਾਈ ਕਰਕੇ ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ, ਔਰ UK ਲਈ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸਾਬਿਤ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਚੰਗੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਹਲੇ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤੁਹਾਡੀ ਖੁਦ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ, ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿਹੜਾ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ ਨੈਵੀਗੇਟਰਸ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਇਸ ਉੱਪਰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਵਾਓ, ਤੁਹਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ 'ਤੇ ਅਗਰ ਪੁੱਛੋ ਜੀ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਫਲਾਣਾ ਕੋਰਸ ਚਾਹੀਦਾ, ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ। ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਗਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਸ ਮੈਮ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ UK ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਖਾਸ ਗੱਲਾਂ, ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਲਈ ਹੋਰ ਇਨਫੋਰਮੇਟਿਵ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਜੀ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ। ਥੈਂਕ ਯੂ।